तो आज हम उस जगह जा रहे हैं जहां ये कहानी शुरू होती है। समझने हैं? चलो समझाता हूं। ये कहानी मेरी यूनिवर्सिटी में शुरू होती है जहां मैंने अपनी जिंदगी का पहला व्लॉग बनाया था। तो हम उसी जगह जा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी से जाने से पहले जो यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाला रास्ता है, जी हाँ, मुगल रोड, जिसे मेरी ज़ुबानी में मैं जन्नत का सफ़र कहता हूँ। जैसे कि आप खुद देख सकते हो, ये सफ़र कितना खूबसूरत है। इसके पहाड़ देखो, इसका रास्ता देखो, कितना खूबसूरत है। और ये जो रोड है, ये बहुत ख़तरनाक भी है, मैं आपको बोल दूँ, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ है वो गिरते रहते हैं, लेकिन जो ये नज़ारा है, इसके लिए ये सब पानी कम चाय है। तो फाइनली हम उस जगह पहुंच गए जिसे हम पीर की गली बोलते हैं। दिखाता हूँ पीर की गली, जो कि बहुत फेमस है। ये लिटरली क्रेजी, वाओ, मतलब क्या सीन है यार। हम पीर की गली के पास है एंड ये है मेरे आगे पीर की गली, एंड हम जाएंगे वहाँ देखेंगे। بدور أحب حياتي لقيت معك كل حاجة معايا ليكي everything is yours for real believe me عمري ما عشت حب زي حبك حبيبتي أنا عمري ما عشت حب زي حبك حبيبتي أنا حبيبتي أنا I swear I know what I am والله حبيبتي والله We make music حبيبتي 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 तो फाइनली हम राजौरी पहुंच गए, लेकिन मेरी जो गाड़ी की हालत है ना, वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना गाड़ी को धोया जाए और इसकी सर्विस किया जाए, ताकि आप भी देखो कि गाड़ी असली में है कैसी, क्योंकि इसकी जो हालत थी ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। थैंक यू। तो अब डिसाइड किया हमने कि अपनी थकान कैसे निकाले, तो हमने स्टार्ट किया कैरम खेलना और मार्केट में गए हम, जहाँ पर जो बाली स्वीट्स है, उसके स्वीट्स आपने नहीं खाए तो आप यहाँ क्यों आए? सो आई डिसाइडेड टू विजिट बाली स्वीट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव ऑर्डर्ड रसमलाई। यहाँ की रसमलाई सबसे फेवरेट है मेरी और अच्छी भी है, अब दिखाऊंगा। मुझे पता है कि रसमलाई को देख के आपके मुंह में जो पानी आया होगा ना, बस क्या करूँ, आपको खिला नहीं सकता, लेकिन जो मज़ा था ना और जो मार्केट था ना, क्या ही बताओ, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सो डू यू नो व्हाट गाइज, आई डिसाइडेड टू जस्ट व्लॉग फॉर यू गाइज एंड जस्ट हैव दिस फीलिंग इन मी दैट आई वॉज व्लॉगिंग हेयर बैक इन 2016 आई गेस 2014। यस, चेक दिस आउट गाइज। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना आईफोन का स्लो मोशन चेक करते हैं, एंड मैंने टावलिया उठाई और इस बच्चे के हाथ में भी, सीन यही है। एंड उसके बाद हम बैठे टीवी देखने, एंड टीवी पे नेहा कक्कर थी जो कॉपीराइट दे सकती थी, लेकिन बच गए। और फिर जो एक क्रेजी लाइट्स हमारे आगे हुई ना यार, क्या ही बताऊँ, कितनी खूबसूरत लाइट्स थी।
सो गाइस सीन दिखाता हूँ अभी, ठीक है? देखो आसमान को क्या करता हूँ मैं, ठीक है? लेट मी शो यू, चेक दिस आउट गाइस, एंड वी कैन चेंज इट टू मेनी फॉर्म्स। ब्याग डिजाइन है, वाओ, एंड चेक आउट द लाइटिंग गाइस, वाओ, डिस्को लाइट्स। तो अगला दिन शुरू हो कि मैं यूनिवर्सिटी चला गया एंड मेरे आगे है हॉस्टल्स जो कि बहुत खूबसूरत है एंड जो कि आप सीनरी देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत है हमारी यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी पे थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के बाद मैंने डिसाइड किया क्यों ना अपना काम ख़त्म किया जाए। तो काम ख़त्म होने के बाद ही मैं चला गया घर। So guys, we have decided to go through Surumkot and towards Srinagar, not through Thunnamandi because the road is shit, literally. And check out this beauty, yaar. This is beautiful, right? Check this out, guys. I'm vlogging here, and this is the dangerous place. क्योंकि यहाँ से पत्थर गिरते हैं. Literally, देखो पत्थर है. धुंध देखो क्या यार. This is crazy. Oh, I'm vlogging here. Wow. Oh. Check this out guys, dhun kitni hai. तो फाइनली मैं कश्मीर पहुंच गया एंड स्पेशली अपने शोरूम पे, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड मैं बहुत खुश था अल्हम्दुलिल्लाह, एंड जो मेरी ज़िंदगी जैसी चल रही थी वैसी वापस से स्टार्ट हो गई। सो गाइस, आई होप कि आपको ये जो मेरी जर्नी है फ्रॉम कश्मीर टू माय यूनिवर्सिटी आपको पसंद आई होगी। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं इसको थोड़ा डॉक्यूमेंट करना चाहता था ताकि ये मेरी मेमोरीज में रहे। एंड यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए, मतलब पूरी ज़िंदगी मैंने वही व्लॉग्स बनाए, तो वो जो प्लेलिस्ट है उस वीडियो के एंड में आएगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एक स्मॉल ट्रिप थी टुवर्ड्स माय यूनिवर्सिटी एंड जो ब्यूटीफुल मुगल रोड है मैंने आपको दिखाया, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाओ, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।